लंदन से हमारे बड़े भैया राज राजेश्वर महाराज जी, पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी और ब्राह्मणों के बड़े ही मानने वाले और समूचे भारतवर्ष में एक अलग लाइन खींचने वाले सनातन की हमारे बड़े ही प्रिय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी, पूज्य आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पधारे। राजपीठ से भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शर्मा जी आप सब पधारे और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये विदेश प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, ये वैसे ईसाई हैं लेकिन सनातन को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी भी चाहते हैं कि एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ, गौरव के साथ, जाति बात को अलग रख के हम कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या, हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और संतों के चरणों से प्रार्थना है, और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागतम। बहुत जल्दी जब आप क्या आप हिंदू हो तो आप सपोर्ट करो, बन जाएगा। जब तक हम संगठित नहीं होते तब तक हिंदू राष्ट्र मुश्किल है, इसलिए हम सभी को संगठित होना है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को एक। माँ दुर्गा जी के 8 हाथ क्यों हैं? क्योंकि 8 का मतलब होता है जहाँ 4 खड़े होंगे वहीं 8 हाथ होंगे। तो जब हम 4 संगठित हो जाएंगे तो माँ दुर्गा की सवारी शेर है, जो संगठित है वह शेर को भी वश में कर सकता है। ये सनातन है और पूज्य महाराज जी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वह समूचे विश्व के लिए मंगलकारी है। चौपाइयों का अर्थ यदि कोई ना समझे तो इसमें ना गोस्वामी जी दोषी है ना आप दोषी हैं, आप स्वयं उसका अर्थ का अनर्थ करेंगे। कोई भी बात, आपका बेटा भी कुछ बात कहे और आपने उसका गलत अर्थ लिया तो हर बात गलत हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों को गुरुजनों से पढ़ना चाहिए, फिर उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। जो महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, देश के नहीं, पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए।